माइसेल्फ हिमांशु एंड आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी एक हाल ही में एक न्यू मूवी रिलीज हुई है शाहरुख खान की, जिसका नाम है जीरो, जिसमें शाहरुख खान को बहुत ही छोटा दिखाया गया है। वैसे तो शाहरुख खान की हाइट है 5 फीट 8 इंच, बट उन्हें 2 फीट 30 इंच का दिखाया गया। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे कि मेरी वीडियो का टाइटल है फिजिक्स बिहाइंड जीरो मूवी, सो इस फिनोमिनन जिस फिनोमिनन से हम एक ऑब्जेक्ट को तो बड़ा दिखाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा दिखाते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोर्स पर्सपेक्टिव या ऑप्टिकल इल्यूजन। ये होता कैसे है, चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको एक समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो लोग आपको दिख रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर। नाउ अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बड़ा दिखाई दे और सेकेंड पर्सन बहुत ही छोटा, तो हम कैमरे को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। देखिए, सो एज यू कैन सी सेकेंड पर्सन की हाइट बहुत ही छोटी हो गई है। इसे कहते हैं फोर्स पर्सपेक्टिव फिनोमिना। मैंने इस फिनोमिनन को फिजिक्स से क्यों रिलेट किया, क्योंकि कैमरा में लेंसेज होते हैं और लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को किस वे में रखें कि उसकी इमेज मैग्नीफाई हो या स्मॉल हो जाए, ये सब टॉपिक्स हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं, जो फिजिक्स का ही एक चैप्टर है। बाकी हम उसकी डीप स्टडी में नहीं जाएंगे। नाउ एज यू ऑल नो माई चैनल नेम इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने फिजिक्स की लैंग्वेज में समझा कि कैसे शाहरुख खान या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोटा दिखा सकते हैं, बट इसके अलावा हर जगह हम फोर्स पर्सपेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं पर हमें बहुत ही क्लोज शॉट्स लेने होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान और एक ऐसा इंसान जिसे हम छोटा दिखाना चाहते हैं, वो दोनों कार में बैठे हैं और बहुत क्लोज बैठे हैं, तो यहाँ पर हम फोर्स पर्सपेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मैंने अभी बताया कि उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए और कैमरा भी बहुत ऐसे इस तरीके से सेट होना चाहिए ताकि एक इंसान थोड़ा बड़ा दिखे और एक इंसान बहुत ही छोटा दिखे। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी मींस सॉफ्टवेयर्स का यूज करके क्या हम किसी इंसान को छोटा दिखा सकते हैं? द आंसर इज यस वी कैन, एंड इस टेक्निक का नाम होता है VFX, जिसका मतलब है वर्चुअल इफेक्ट्स। वर्चुअल इफेक्ट्स या VFX में क्या होता है, हम बैकग्राउंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। VFX को समझने के लिए मैं आपको दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई जिसकी वीडियो शूट की गई है, जिसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन स्क्रीन रखा गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटरफ्लाई है इस वीडियो की शूटिंग में आ जाए, तो मैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से इन दोनों को मर्ज करूंगा। देखिए, मैंने तो इन दोनों को मर्ज किया। अब मैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो बटरफ्लाई के जो बैकग्राउंड का जो ग्रीन कलर है इसे रिमूव करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बटरफ्लाई और जो दूसरी वीडियो है ये दोनों मर्ज हो चुकी है। अब मैं इजीली बटरफ्लाई का साइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखिए कर सकता हूँ बहुत इजीली। अब शाहरुख खान की जो जीरो मूवी है उसमें भी हमने दो कैमरास का यूज किया है। फर्स्ट कैमरा जो है वो सिर्फ शाहरुख खान अकेले शाहरुख खान की ही रिकॉर्डिंग करता है और उसके पीछे का बैकग्राउंड रखा जाता है ग्रीन, और नेक्स्ट जो दूसरा कैमरा है वो कैमरा जो बाकी पब्लिक है उन्हें रिकॉर्ड करता है। देन उन दोनों को मर्ज किया जाता है और सिर्फ जो शाहरुख खान है उसकी जो वीडियो है उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके उसे इजीली छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि हम मैक्सिमम ग्रीन स्क्रीन का ही यूज क्यों करते हैं? ग्रीन स्क्रीन का यूज आप देखिए, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं कोई भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी कलर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बट मान लीजिए मैं किसी भी ह्यूमन बींग के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रख दूँ अगर, और मैं सॉफ्टवेयर के जरिए उस ब्लैक बैकग्राउंड को हटाना चाहता हूँ। अब आप देखिए, हमारे हेयर्स का कलर भी ब्लैक है, आईज का कलर भी ब्लैक है, तो वो जो पीछे से ब्लैक बैकग्राउंड तो हट जाएगा, ऊपर से हमारे हेयर्स एंड आई का कलर वो भी हट जाएंगे, तो हमारी एडिटिंग बहुत बेकार हो जाएगी इससे। इसीलिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा कलर नहीं है, हमारे फेस, हमारी आई, हमारी टंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रीन कलर का हो। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर से हम ग्रीन कलर को जब हटाते हैं तो हमारी बॉडी पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स पर्सपेक्टिव एंड VFX। एंड इफ यू लाइक माई दिस वीडियो, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।